हेलो गाइज, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फ्री कैड को किस तरीके से आप अपने लैपटॉप पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए गाइज, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्री कैड। फ्री कैड सर्च करने के बाद तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज फ्री कैड की कुछ वेबसाइट इस तरीके के देखने को मिलती है। और गाइज अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए गाइज यहां पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन दिए गए हैं, डाउनलोड नाउ और ऊपर में एक डाउनलोड बटन, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा फ्री कैड के बारे में। फ्री कैड एक 3D पैरामीट्रिक मॉडलर सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये यूजफुल उन लोगों के लिए है जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो लोग के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए यह फ्री कैड सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए चलिए मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद गाइज फिर से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, विंडोज, मैक और लिनक्स। तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। मैं फिलहाल विंडोज 10 के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो अगर गाइज आप विंडोज 7 के लिए या फिर 8 या 10 के लिए करना चाहते हैं तो तीनों में ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विंडोज 7 इज द मिनिमम सपोर्टेड, मतलब कम से कम विंडोज 7 आपका होना चाहिए, उससे ऊपर होगा फिर भी ये सपोर्ट करेगा। तो डाउनलोड करने के सिंपली आपको 64-बिट इंस्टॉलर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक से डाउनलोड होना यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट हो चुकी है। यह सॉफ्टवेयर 431 MB की यह सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं फिलहाल इसे डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि गाइज मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद गाइज ये सॉफ्टवेयर आपके सी ड्राइव के डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद गाइज आपको यस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी सेटअप जो प्रोग्राम है वो ओपन हो चुकी है, और इंस्टॉल करने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल फॉर एनीवन यूजिंग दिस कंप्यूटर और इंस्टॉल जस्ट फॉर मी। तो मैं फर्स्ट पे इंस्टॉल करने वाला हूँ ताकि कोई भी यूज कर सके। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइज देख सकते हैं आप इसकी पाथ को सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। मेरा पाथ सिंपली सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में है, और इसकी स्पेस है मिनिमम रिक्वायरमेंट 1.9 GB। तो अगर आपके 1.9 GB स्पेस अवेलेबल नहीं है सी ड्राइव में तो आप इसको ब्राउज करके आप इसको चेंज कर दीजिए, डी ड्राइव में कर दीजिए या फिर ई ड्राइव में। और चलिए मेरा स्पेस अभी अवेलेबल है 4.6 GB, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको ले लेगा, इसलिए आप डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट पर चेक करके और इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। और गाइज देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं ओपन करके फ्री कैड को सॉफ्टवेयर को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लैपटॉप में फ्री कैड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और आपको यहाँ पे लॉन्च फ्री कार्ड पे आपको क्लिक करके फिनिश पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक से लॉन्च हो जाएगी, आपको ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये ऑटोमेटिक से ओपन नहीं होता है तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आकर के फ्री कैड आपको सर्च करना है। तो गाइज देख सकते हैं कि हमारा फ्री कैड का इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है।
और यहाँ से आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करके आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गाइज ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जो सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो गाइज इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे इस वीडियो को जैसा प्रोसेस बताया गया है अगर आप वो फॉलो करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो